ऊपर ही है, और कोई कलर नहीं है। कलर ये आएगा इसके ऊपर, ऊपर ही इसको पकड़ो मैडम इधर, मैचिंग कलर बिल्कुल आपके चाहिए। ओ वाव बिल्कुल, चलो फ्लावर है मस्त है। मैं फ्लावर तोड़ के लाई हूँ, पर ये असली फ्लावर नहीं है, नकली फ्लावर है। अभी फोटो क्लिक करना चाहिए। ठीक है ठीक है। वो रानी के साथ फोटो क्लिक करा रही थी, वीडियो भी मैंने बनाई है, और ये इतनी स्वीट सी है यार, लगी नहीं रहा, मैंने पहली बार देखी है ये ना ऐसी। इसको ये भेड़ है ना, शीप है ये, मतलब ये शायद अभी मैली हो गई है, नहीं तो ये बहुत वाइट हो गई है ना, बच्ची है ये, बच्ची है ये। कितने अच्छे, तो छोटे खुद भी बच्चे है। कितने मंथ की है? कह रहे मेरे को पता नहीं, दो तीन महीने की, बस खाए जा रही है, वो हिल भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अब इसके साथ एक और वीडियो बनाती हूँ, फिर आप देखना इंस्टाग्राम पे। थैंक यू रानी, थैंक यू। इसके पैर देखो गाइस, कितनी ज़्यादा क्यूट है यार। सो गाइस काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ज्वेलरी उतारने का मन नहीं है, मन कर रहा है ऐसी चुपचाप चली जाऊँ, पैसे दे देती हूँ उनको, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी है कश्मीर की, और ये मुझे बहुत पसंद है यार हद से ज्यादा। इस वाली ड्रेस पर में आपके साथ मेरी फोटो नहीं हो पाएगी, पर साहिल मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं। आज साहिल कह रहे हैं उनके बाल अच्छे नहीं लग रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है यार, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैं पूरा घुमा घुमा के थक गई, पूरा रुक ही नहीं रहे, मेरा शॉल भी गिर गया। अभी बस हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा कहाँ कहाँ बताओ, वो जो आपको अदर थ्री वैलीज देखनी है, नाम बताओ ना। मैंने तो ये भी आपको वही, मैंने जिस वैली का नाम लिया था, इन्होंने बोला था कि वो हॉर्स पे ही जाकर देख सकते हो, नहीं तो नहीं देखोगे, तभी मैं हॉर्स पर बैठ कर आई। और यहाँ पे मिसगाइड करते हैं काफी सारी चीजों में ना, मिसगाइड आपने मुझे किया, मुझे हॉर्स पे बैठना ही नहीं था, और अब मैं पैदल जाऊंगी यार, मैं नहीं जा सकती हॉर्स पे, मेरे को बड़ा अजीब हो गया वहाँ पे, मेरे को नहीं, मुझे नहीं आया, मुझे बहुत दया आई है। हाँ दया तो आई है आपका, तो वेट मुझसे तो बस गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और इसकी आवाज गाइस, मैं काजल को ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है फोटोज क्लिक कराने। ओ दिख गई, बहुत दूर है वो, उसको बुलाना पड़ेगा या उसके पास जाना पड़ेगा। सब देख रहे हैं तो शर्म आ गई, कोई नहीं होता, काजल को ढूंढ रहे, इतनी देर से मिली नहीं रही है, पर मुझे शर्म। ये पीछे क्यों नहीं जा रहा, पता नहीं आया भाई। वो कहाँ पे है, कहाँ लेके आए, आ रहे हैं, ठीक है। कैसी लग रही हो आपको, आप बहुत अच्छी लग रही हो, अच्छी यार, बिल्कुल ऐसा कि यू इज़ बहुत अच्छे। अभी हम सबके रिएक्शंस लेने जा रहे हैं, सीधे चलो आप सीधे चलो, मेरा स्टॉल आप पे अच्छा लग रहा है, आप इतने सुंदर तो लग रहे हो यार, आप खुद इतने सुंदर हो, आपको किसी चीज की नीड नहीं है बाल भी सेट करने की, आप बहुत सुंदर हो, आपको पता नहीं है आप कितने सुंदर हो, तभी आप मेरे साथ हो, ऐसा नहीं है, मजाक था। अरे भैया रुक, खेलने दो, देखना है काजल क्या बोली। काजल कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं सबसे, इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं सबसे। काजल वाह,
क्यूट होते हैं ये तो बेचारे। अब ठंड लग रही है गाइस, और बस अब और नहीं घूमना क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा खास मुझे अब लग नहीं रहा है, सब कुछ हमने देख लिया है। सो गाइस, मैं और काजल फिर से खा रहे हैं राजमा राइस, और ये वाले देखते हैं कैसे हैं टेस्ट में। बराबर डिफरेंट है बहुत, आज तक नहीं खाया मैंने। ये बोलो ना, बहुत अच्छी है गाइस। ये अनियन पराठा कितना डिफरेंट है यार यहाँ का खाना। मेरे वाला वो आ गया सर, मेरा वाला सारे हॉट्स। आपका कौन सा है? वो वाला वो आ रहा है। दिखा दो आप क्या खा रहे हो, दिखा दो क्या खा रहे हो। ये मेरे को सबसे अच्छी लगी, मुझको भी दिया है। सो गाइस, हम वापस आ गए थे, और वूफी सिंह को जो होटल में जो ऑनर है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब पेट फ्रेंडली जो ऑनर है वो वहाँ पेट लवर है, उन्होंने इसको संभाला था, और तभी हम हॉर्स राइडिंग कर पाए। और सर कैसा लगा आपको इतने पेट फ्रेंडली? चल रहे हैं बाबू, अभी चल रहे हैं वूफो, चल रहे हैं, आ जाओ देखो आपके मालिक आपको क्या कर रहे हैं। गाइस ये देख लो क्या कर दिया है काजल ने पूरे सामान का, अभी हम इसकी पैकिंग करेंगे। और साहिल जी चले अभी कुछ थोड़ी सी कावा वगैरह की शॉपिंग कर लेते हैं। पापा कह रहे हैं कावा लेके आओ। हाँ वही लेने जा रहे हैं। चले, कैसे थी हॉर्स राइडिंग? बहुत अच्छी। आपकी नोज से ब्लड आ रहा है, उसके लिए दवाई लानी है। जो हॉर्स था ना वो मेल सबसे, अरे आपका किंग था, उसने बोला वो आगे आगे चलने वाला है, मैं डर गई थी। चलते हैं मार्केट, फिर दिखाती हूँ सब कुछ इनको। ओके चलो। ये एक ही टाइप का कावा आता है या कुछ अलग अलग भी आता है टेस्ट में? अलग है, टेस्ट एक ही होता है, कंपनी अलग अलग है। अच्छा, तो जैसे इसमें वो अलग से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं वो अलग से होता है? हाँ, बादाम अलग से डालने पड़ते हैं। इसमें से क्या है, जैसे आपको एक कप बनाना है, इसमें एक टीस्पून डालना है आपको, उसके बाद दो मिनट उबालना है, और अलग से सिर्फ आपको एक दो बादाम काट के डालना है। अच्छा, कश्मीरी शाही कावा, इससे अच्छा भी है कोई टेस्ट में जो टेस्टी हो? ये सब एक ही है, कंपनी अलग अलग है, चीज एक ही, चीज एक ही है। वो क्रैनबेरी है, रोज़बेरी है, ब्लू बेरी। ये मुझे रोज़बेरी एक बार टेस्ट कराना, एक ही बहुत है। इसका टेस्ट बहुत अलग सा है, जैसे हम राम वो नहीं खाते हैं लड्डू टाइप में, वैसा है। वैसे तो लग रहा ना, मेरे पापा को नहीं अच्छा लगेगा वैसा है, हम बच्चों को अच्छा लग सकता है। खट्टा खट्टा रोज़बेरी, पापा ने कहा ड्राई, ये वाले नहीं, ये गीले हैं। ड्राई तो आप ले लिए आपने। गाइस मैं बहुत अमीर हूं गाइस, दिल्ली आके सब बेचूंगी। पूछ लो अंकल जी, ये जो गन है इसका क्या नाम है? 47। AK-47 है? ओ वाह, कुत्ते सही है यार, मैंने पबजी में ही देखी थी AK-47, अभी रियल में देखी है।
So guys, आज हम खा रहे हैं राइस, सरसों का साग, ये क्या है, आलू मटर, मटर आलू, और वो है दाल मखनी, ये है मिक्स वेज रायता, मक्के की रोटी, सैलेड और भूखा इंसान। यार आपकी तो शक्ल ही चेंज हो गई है। So guys, डिनर करके हम आ गए थे और अभी जस्ट जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सारा सामान है, क्योंकि हम थोड़ी शॉपिंग भी करके आए थे, कावा भी लिया, ड्राई फ्रूट्स भी लिए, क्रैनबेरी भी ली, जो जो चीजें हमें अच्छी अच्छी लगी और जिनका नाम मुझे पता था वो सब मैंने लिया। और बादाम बहुत डिफरेंट थे, वो उसका कुछ नेम ले रहे थे, मैं भूल गई, शिट यार, मैं वहाँ पेपर बादाम नहीं नहीं कुछ और नाम था, अच्छा क्या था, फुलवा, फुलवा शायद। तो बस आज का व्लॉग बहुत बहुत अच्छा था ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है। और मेरी कश्मीरी लुक आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपके कहने पर कश्मीरन वाली लुक ली प्रॉपर, जो मैं लेना चाहती थी, पर ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी मम्मा को बहुत अच्छी लगी, तो ये मैं अपनी मम्मा को ही दूंगी जाकर, क्योंकि वो खुश हो गए थे इसको देख के। तो अगर ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, मेरी लुक आपको पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो पहलगाम था वो इतना ही था, बाकी और भी चीज़ें रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट और नेक्स्ट टाइम तब आएंगे ना, तब करेंगे, मिलते हैं आपको, करके बाय बाय।